रीडेवलपमेंट के मामलों में हाउसिंग सोसाइटीज का भरोसा बिल्डरों से उठ रहा है। लेट लतीफी, खराब कंस्ट्रक्शन और मुनाफाखोरी की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज अब खुद ही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करा रही हैं। सोसाइटीज के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बैंकों ने भी लोन देना शुरू कर दिया है। रियल स्टेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट का यह चलन अच्छा है, इससे लोगों को मन मुताबिक कंस्ट्रक्शन समय पर कराने में आसानी होगी। मुंबई में बिल्डर्स रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी करते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। इसलिए सोसाइटीज़ अब सेल्फ रीडेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। बैंकों ने इसके लिए लोन देना भी शुरू कर दिया है। मुंबई के मुलुंद इलाके की पूर्वरंग सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट कराने वाली पहली हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी महाडा ने सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सोसाइटी की 7 मंजिला 2 इमारतों को रीडेवलप कर 22 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। सोसाइटी के सदस्यों को अब करीब 800 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के फ्लैट मिलेंगे। बिल्डर पहले 600 स्क्वायर फीट का ही फ्लैट देने को तैयार था, यानी अब बड़ा घर भी मिलेगा और प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा होगा। सेल्फ रीडेवलपमेंट एक अच्छा तरीका है बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करने का, जिसमें कि आपको बहुत सा फ़ायदा है। आप बिल्डर के पास जाओगे कि जो भी आपको एरिया रीडेवलपमेंट के बाद मिलने वाला है, उससे भी ज़्यादा एरिया का फ़ायदा आपको हो सकता है। फंडिंग का जो प्रॉब्लम था, वो फंडिंग का प्रॉब्लम मुंबई बैंक ने सॉल्व किया है। आज मुंबई बैंक हमारे लिए उनका प्रोजेक्ट फाइनेंस दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कीम है। और इसकी वजह से, ये फंडिंग के वजह से ही हम लोग ये सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सक रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में तकरीबन 535 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव पास किया है। इसमें करीब 40 प्रोजेक्ट को बैंकों ने लोन की मंजूरी दे दी है। कोऑपरेटिव बैंकों ने समूह बनाकर ऐसे प्रोजेक्ट को लोन देना शुरू किया है। प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक, महाड़ा की मंजूरी और दूसरे सभी एजेंसियों से मिले क्लियरेंस को जांचने के बाद बैंक ऐसी सोसाइटीज को लोन देते हैं। मुंबई बैंक ने 700 करोड़ तो अभी मंजूर कर चुके हैं, 5000 करोड़ मुंबई बैंक ने ईयरमार्क किया हुआ है। साथ में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी अभी पेमेंट करने का तय किया है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट बैंक ने भी किया है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक ने भी किया है। ये सब मिलके कंसोर्शियम करके 8-10 हज़ार करोड़ तक वो जा सकता है। सेल्फ रीडेवलपमेंट में लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। सामान्य के मुकाबले घर का साइज बड़ा होता है। सोसाइटी मेंबर अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक कर सकते हैं, सेल्फ रीडेवलपमेंट में अपने हिसाब से शर्तें रख सकते हैं, जैसे कि देरी पर रोजाना के हिसाब से जुर्माना और समय पर पूरा करने पर इंसेंटिव भी होगा। प्रोजेक्ट के बिक्री वाले हिस्से पर मुनाफे में भी सोसाइटी हकदार होगी। झोपड़पट्टिया अगर खुद रीडेवलपमेंट के प्लान बनाती है तो उन्हें 10% ज्यादा FSI मिलती है। ज्यादा फायदे को देखते हुए अब दूसरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज भी सेल्फ रीडेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। हाल के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेकर काफी उत्साहित है। सेल्फ डेवलपमेंट में जाने की सबकी तमन्ना है, सबकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए हम लोग को जनरल बॉडी का कंकरेंस चाहिए। जो जनरल बॉडी हमारे यहाँ पे एक है कि जनरल बॉडी जो फैसला करती है वो सब हम लोग यूनानिमसली उसको एग्री करते हैं। तो अभी हमने 2 तारीख को जनरल बॉडी का मीटिंग रखा है, सेल्फ डेवलपमेंट का प्रपोजल जो है हमने उसमें रखा है जनरल बॉडी में। 2 तारीख के बाद जो भी डिसीजन होगा उसके बाद हम लोग फुल ट्राई कर रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे जाए। मुंबई में बिल्डर्स की लापरवाही और दूसरी वजह से करीब 5,800 रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके हैं। देरी की वजह से 1,25,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित है। मुंबई में जमीन कम है, ऐसे में 85% नए घर पुराने प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट से ही आ रहे हैं, लेकिन नए घर की आस में पुराना घर भी खाली करा देते हैं। बिल्डर शुरू में घर का किराया देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लेट होने के साथ ही किराया देना भी बंद कर देते हैं। सेल्फ रीडेवलपमेंट के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इससे ज्यादा एरिया मिलता है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, मगर इसकी भी अपनी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती सोसाइटी मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।